grade 2. Our subject is English grammar and today our topic is singular and plural nouns. Today we learn about the singular nouns. What is singular noun? A singular noun means one person, one place, one animal or one thing. Singular noun क्या बताता है? कोई भी एक चीज, जैसे one person, one animal, one thing. Like one person हम बोलते हैं तो यानी उसका example, कोई भी एक policeman, कोई भी एक soldier. Like example for the one thing, one desk, one orange. What is example of one place? कोई भी एक shop, कोई भी एक होटल. ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंगुलर नाउन के. सिंगुलर नाउन मतलब हमेशा एक ही चीज होती है. द वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन एंड बिगिंस विद अ कंसोनेंट. वी यूज वन और बिफोर इट. अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं जो सिंगुलर नाउन हो, उसके आगे हम क्या यूज कर सकते हैं? वन या तो एक. As you know, हम consonants के आगे क्या use करते हैं? A. और singular means एक चीज है, तो उसके आगे हम क्या use कर सकते हैं? One और या A use करते हैं. इन दोनों में से हम कुछ भी use कर सकते हैं जब कोई भी word consonants का हो तो. And the word is a singular noun and begins with a consonant. We use one or a before it. अगर हम कोई भी वर्ड होता है, वो सिंगुलर वर्ड होता है, तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? वन. पर अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर, तो हम साथ में क्या यूज करेंगे? अ. क्या यूज करेंगे? ए. लाइक एग्जांपल, वन ट्री और अ ट्री. हम ट्री को क्या बोल सकते हैं? अगर सिंगल ट्री है तो वन ट्री भी बोल सकते हैं या अ ट्री भी बोल सकते हैं. अनदर एग्जांपल, वन कार और कार. अगर एक ही कार है तो हम उसको वन कार भी बोल सकते हैं या अ कार भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन एंड बिगिंस विद अ वोवल, वी यूज वन और एंड बिफोर इट. अगर हमारा वर्ड जो भी है वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो उसका फर्स्ट लेटर वोवल्स है, लाइक ए ई आई ओ यू, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ए एन एन और वन. वी कैन यूज बोथ वन और ए एन. लाइक एग्जांपल, एक ऑरेंज है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? वन ऑरेंज भी लिख सकते हैं या एन ऑरेंज भी लिख सकते हैं. अनदर एग्जांपल, वन इंक पॉट. इंक पॉट एक है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? वन इंक पॉट भी लिख सकते हैं एंड इंक पॉट भी लिख सकते हैं. क्यों? बिकॉज हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है? वॉवल. आई. आई क्या होता है? वॉवल होता है. यस. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स एंड द वॉवल्स शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. व्हाट इज प्लूरल नाउन्स? व्हेन वी कैन काउंट द आइटम्स एंड देयर आर मोर देन वन, वी यूज द प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म में क्या था? कोई भी एक चीज. प्लूरल फॉर्म में यानी जिस चीजों को हम काउंट कर सकते हैं मोर देन वन. लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, सिक्स बंस. तो हम सिक्स बंस को काउंट कर सकते हैं? यस. yes, तो वो कौन सा फॉर्म हुआ? प्लूरल फॉर्म. अगर इसकी जगह हमारे पास सिर्फ वन बन होता तो हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थ्री जेब्रास. अगर थ्री जेब्रास है तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म? यस, प्लूरल फॉर्म. क्यों? बिकॉज थ्री जेब्रास है, हम काउंट कर सकते हैं, इसमें काउंटिंग की नीड पड़ती है. और अगर हम बोलते वन जेब्रा तो वो कौन सा फॉर्म हुआ? यस, सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू बसेस. वी कैन काउंट टू बसेस? यस, टू बसेस मोर देन वन से नंबर हुआ तो टू बसेस कौन सा फॉर्म हुआ? प्लूरल. अगर हम इसकी जगह बोलते हैं वन बस तो कौन सा फॉर्म हुआ? सिंगुलर फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता चला सिंगुलर और
प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है? सिंगुलर में हमेशा एक चीज होती है और प्लूरल प्लूरल में ज्यादा चीजें होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कलर द बॉक्सेस विद सिंगुलर नाउंस रेड एंड प्लूरल नाउंस ब्लू। आप सबको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, मैम ने बनाए हैं। इसमें अभी क्या करना है, जो सिंगुलर नाउंस हैं उनको रेड कलर करना है और जो प्लूरल नाउंस हैं उनको कौन सा कलर करना है? ब्लू। तो आई एम आस्किंग यू नाउ, बोर्ड कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? बोर्ड यानी एक ही हुई, तो ये कौन सा नाउन हुआ? सिंगुलर नाउन। तो हम बोर्ड में कौन सा कलर करेंगे? यस, रेड कलर। क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स यानी बहुत सारे हो गए, तो कौन से नाउन में काउंट होगा? प्लूरल नाउन्स में। तो हम क्रेयॉन्स में कौन सा कलर करेंगे? यस, ब्लू कलर। डॉल, डॉल तो एक ही होती है, तो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन। तो डॉल में हम कौन सा कलर करेंगे? यस, रेड कलर। ज़ेब्रास यानी बहुत सारे ज़ेब्रास हो गए, तो हम ज़ेब्रास में कौन सा कलर करेंगे? ब्लू, ब्लू कलर। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लूरल नाउन है। फोन, फोन एक ही होता है, तो हम इसमें कौन सा कलर करेंगे? यस, रेड कलर। रेड कलर क्यों करेंगे? बिकॉज़ फोन इज अ सिंगुलर नाउन। कैरेट्स, कैरेट्स यानी गाजर, बहुत सारी गाजर हो गई, तो हम उसको कौन सा नाउन में काउंट करेंगे? यस, प्लूरल नाउन। तो कौन सा कलर करेंगे इसमें? ब्लू कलर। रोजेस, बहुत सारे रोजेस हो गए, तो रोजेस में हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू, बिकॉज रोजेस प्लूरल नाउन। ट्रक, ट्रक एक ही लिखी हुई है, ट्रक्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रक। तो कौन सा फॉर्म हुआ? सिंगुलर फॉर्म। तो उसमें हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर। बेंचेस, बेंचेस आप जैसे स्कूल में बैठते हो, बेंचेस बहुत सारी होती है, तो कौन सा नाउन हुआ? प्लूरल नाउन। तो इसमें हम बेंचेस में कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। स्टूडेंट्स आपको पता चला सिंगुलर नाउन्स में और प्लूरल नाउन्स में डिफरेंशिएट? यस, सिंगुलर नाउन्स में आपको रेड कलर करना है और प्लूरल नाउन्स में आपको ब्लू कलर करना है, मैम ने आपको एक्सप्लेन किया। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चेंज दीज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स बाय एडिंग एस और ईएस। यहाँ सारे सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं, हमको उनको प्लूरल नाउन बनाना है। हम उनको प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे? एस और ईएस ऐड करके। अब मैं आपको बताऊंगी ईएस किसके पीछे लगता है, जहां लास्ट वर्ड्स एस डबल एस एस एच सी एच एस या जेड से एंड होता है। इन सारे वर्ड्स पे जहां पे लास्ट में ये सारी चीजें होती है वहां क्या आता है? ईएस। और बाकी सारे वर्ड्स के पीछे क्या लगता है? एस। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर मूविंग टू द एग्जांपल्स। व्हाट इज आवर फर्स्ट एग्जांपल? टाइगर, आर। तो इसमें कहीं आर है? नो। तो हम टाइगर के पीछे क्या लगाएंगे, एस या ईएस? यस, हम क्या लगाएंगे? एस। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज डी आई एस एच, डिश। तो डिश के पीछे क्या है? एस डबल एस एस एच, एस एच आ गया, तो हम डिश के पीछे क्या लगाएंगे? ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस। क्या बन जाएगा? डिशेस। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ ओ एक्स, फॉक्स। सो फॉक्स एंडिंग विद द एक्स, तो एक्स के पीछे ई एस लगता है, यस लगता है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉक्सेस, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। नाउ फोर्थ एग्जांपल इज कैंडल, कैंडल में एस आएगा या ई एस आएगा? सो लास्ट वर्ड इज ई, ई है यहाँ पे कहीं पे भी? एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड, नो ई इज देयर। सो व्हाट वी पुट ऑन कैंडल? यस एस, वी पुट एस। क्या हो जाएगा? सी ए एन डी एल ई, कैंडल। पीछे एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
candles. Our fifth example is bag. Bag के पीछे क्या है? B-E-A-R. तो R है इधर कहीं पर भी? No. तो हम इसको क्या लिखेंगे? S लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा? Bags. B-E-A-R-S. Bags. What is our sixth example? Our sixth example is horse. Spelling of horse is H-O-R-S-E. Horse. तो horse के पीछे क्या है? E. E is here. No. So what we put? S. Yes. क्या हो जाएगा? Horses. H-O-R-S-E-S. Horses. Our next question is, look at these pictures. Count and write the numbers of items in each picture with their plurals. यहाँ पे pictures दी हुई है. वो number हमको count करना है और हमें उसके plurals लिखने. Okay? यहाँ क्या बना हुआ है? One cake, two cakes. तो हम क्या लिखेंगे? Two cakes. T W O two. C A K E S. Cakes. Two cakes. How many pictures are there? Two. तो हम क्या लिखेंगे? Two cakes. What is the second picture? Yes. Balls. यहाँ पे कितने balls बने हुए? Four. One, two, three, four. Four balls. तो हम इसका plural form में क्या लिखेंगे? Four balls. F O U R. Four. B A double L S. Balls. Four balls. What is our next picture? Box. कितने boxes बने हुए? Three boxes. तो हम क्या लिखेंगे? Box के पीछे S आता है या ES? Yes. ES आता है. तो क्या लिखेंगे? T H R double E. Three. B O S E S. Boxes. What is your next picture? Camel. Camel का plural क्या होता है? Camels. यहाँ पे कितने camels हैं? One, two, three, four. Four camels. तो हम क्या लिखेंगे? F O U R. Four. C A M E L S. Camels. What is your next picture? Monkey. Yes. How many monkeys are there? Five. One, two, three, four, five. हम क्या लिखेंगे? Five monkeys. Monkey के पीछे S लगेगा या ES? Yes. S लगेगा. Right with me. F I V E. Five. M O N K E Y S. Monkeys. What is your next picture? Watches. जो हम हाथ में पहनते हैं. तो कितनी वॉचेस बनी हुई है? Six. One, two, three, four, five, six. तो हम क्या लिखेंगे? Six watches. Watches के पीछे क्या आएगा? S आएगा या ES आएगा? Yes, ES आएगा. S I X. Six. W A T